बरेली में जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली योगी सरकार में अपराध चरम पर है। योगी सरकार के दावे को खुलेआम धता दिखाई दे रहा है। हर्ष फायरिंग करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, मगर इसके बाद भी कहीं ना कहीं हर्ष फायरिंग का मामला सामने आता ही रहता है। बीती 17 मई को करनी सेना के कार्यकर्ता पर फरीदपुर थाना क्षेत्र में महज इस बात पर गोली मार दी कि उसने हर्ष फायरिंग कर रहे व्यक्ति को हर्ष फायरिंग करते वक्त ये कहकर टोक दिया कि आप जो फायरिंग जो वो कर रहे हैं वो गलत है। 17 मई की इस घटना को लेकर पुलिस का रवैया भी सवालों के घेरे में है। लगभग 1 महीने के अंतराल के बाद भी थाना फरीदपुर में FIR दर्ज की गई और अभी भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको पुलिस का कोई खौफ नहीं है। आज करनी सेना के जिलाध्यक्ष को मामले का पता चला तो उन्होंने सबसे पहले अस्पताल में पहुंचकर अपने घायल कार्यकर्ता का हालचाल जाना और विवेचक से फोन पर बात की। देखिए, मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है, मैं करनी सेना का जिलाध्यक्ष हूँ। 17 तारीख को फरीदपुर गया हुआ करनी सेना का एक कार्यकर्ता दावत में, तो 17 तारीख को जब वो न्योता कर रहा था, यानी कहते हैं जब पैसे दे रहा था, न्योता लिखवा रहा था, उसी समय एक दारू पिए हुए व्यक्ति वो लेके आया बंदूक और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। जब करनी सेना के जो कार्यकर्ता ने उसका विरोध किया तो उसने आओ ना देखा ताओ और उसके फैर सामने मार दिया, जो लेफ्ट हैंड में उसकी बाह में लगकर और सीने पे लगा है। तो अभी तक 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी भी दोषी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।